ये सुना रहा था मैं कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, सफर में आखिरी पत्थर के आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। साहब सुनिए कि जाके ये कह दे कोई शोलों से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, जुगनू से, चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, और मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। अरे वाह वाह वाह। कहता हूं कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा, देख आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे आप मेरे लहजे में कितनी नरमी है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, नए बरस में नई जंग का इरादा है। अब मुझे बहुत ही जरा ये कहने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने मतलब सुनाया अभी आपको, ये अच्छा था। एक बार और सुन के देखें। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, नए बरस में नई जंग का इरादा है, और मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। क्या मिसरा है, यहां जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। अरे वाह वाह वाह। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। वाह वाह वाह। मैं अपनी लाश देखिए, एक तो मुझ पर यकीन कर लें दोस्तों, आपका फकीर राहत इंदौरी, और एक रोशन बेग साहब पर। अगर मैं खराब शायर होता तो रोशन बेग साहब बुलाते ही नहीं, वो सच्चे आदमी। मैं मेरा ख्याल है 20-25 साल से आपकी खिदमत में आ रहा हूँ, तो मुझ पर यकीन कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरी गज़ल में कोई ख़राब शेर आएगा तो मैं उसको अलग हटा दूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। राधा ये शेर फिर सुनाइए। देखिए ये सब शरीक होंगे, ये पढ़ा लिखा लड़का है मंसूर उस्मानी, इसने सही दाद दी है। कह रहा हूं कि मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। क्या कहना है, यहां जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। वाह वाह वाह। यहां जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है, यहां जमीन की मेरा जमीर सुनने के लिए तैयार हो जाए, मैं आ रहा हूं आपके मिजाज तक। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है। वाह। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता, मेरा एतबार बोलता है, मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। वाह वाह वाह। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। पहचानिएगा इसे, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। सियासत अखबार के एडिटर बहुत ही मोहतरम उर्दू के बहुत जिम्मेदार सहाफ़ी बैठे हैं मेरे पीछे, वो सोच रहे होंगे कि राहत इंदौरी अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है और उर्दू गलत बोल रहा है कि तेरी जुबान कतरना। उर्दू में ऐसा नहीं कहा जाता है, यूँ कहा जाता है कि तेरी जुबान कतरनी। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि साहब मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जिस जुबान की बात कर रहा हूँ वो इतनी मोटी है कि वाह वाह वाह, कतरनी से उसका काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने कतरना कहा।
मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, तुझे मर्ज है कि तू बार बार बोलता है। वाह वाह वाह, तेरी जुबान कतरना वाह वाह वाह, तुझे मर्ज है कि तू बार बार बोलता है। साहब कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता वाह 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 वाह। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं कुछ, मगर वो झूठ बहुत। यार आप सुन का रहे हैं, सुनने लग जाओगे जब मैं सुनाना शुरू करूंगा। सुने दोस्तों के कान, मैंने ये कहा कि मैं वो ज़रूर सुनाऊंगा जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, लेकिन जब जब वो मैं वो सुनाऊं कि जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, तब आप ज़्यादा तवज्जो दे दीजिएगा तो मेरा काम हो जाएगा। कह रहा हूं कि चार लाइनें चार मिसरे मुलाजा फरमाए। कौन जालिम है यहाँ, कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर, कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर। शिरकत कर ले बेंगलोर के अच्छे लोगों, कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर, जुल्म हुआ है किस पर। क्या क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है, मीडिया का रोल हिंदुस्तान का। कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है। साहब अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं सरकार को तय करना। वाह वाह।